सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों के वल। शिमला च वड्डा हादसा, डिग्गिया शिव बौड़ी मंदिर, 15 लोगों के मलबे हेठां दबे होने का खदशा। तरन तारण च बच्चे के अगवा होने का मामला, गड्डी च सवार मुलजम ते बच्चे के पिता तो बच्चा खो के हुए फरार। भाखड़ा डैम तो पानी छड़े जाण कारण लागले पिंडां नूं हड़ां का खतरा, प्रशासन ने चौकसी वरतण दे दित्ते हुक्म। हिमाचल तो एक वड्डी खबर सामने आई है। शिमला शहर में वड्डा लैंडस्लाइड होया जिस कारण शिव बौड़ी मंदिर ढह गया। सोमवार का दिन ते सौण महीना होने कारण वड्डी गिनती च लोग शिव पूजा लई पहुंचे हुए सन। शुरुआती जानकारी मुताबिक 15 लोगों के दबे जाने की जानकारी सामने आई है। यह घटना शिमला के समर हिल नेड़े वापरी। जानकारी अनुसार यह घटना सवेरे वापरी है। दसया जा रहा है कि लोग पूजा करने लिए मंदिर पहुंचे सन ते इस दौरान जमीन खिसक गई ते लोग मलबे हेठां दब गए। वड्डी गल यह है कि इत्थे जमीन खिसकण दी घटनावां लगातार हो रही ने ते इस कारण राहत कार्ज शुरू नहीं हो सके ने। फिलहाल कोई भी अधिकारी मौके ते नहीं पहुंचे। स्थानक लोगों का कहना है कि मलबे हेठ वड्डी गिनती च लोग दबे हुए ने। कस्बा डेरा साहिब तरन तारण के पिंड रैशियाणा के अंग्रेज सिंह के हथों उसके बच्चे गुरसेवक सिंह नूं खो के कस्बा डेरा साहिब तो तीन व्यक्ति चिट्टे रंग की कार में सवार होकर फरार हो गए। जो इस घटना संबंधी पुलिस नूं पता लग्या तो जिला तरन तारण के उच्च अधिकारी बच्चे की भाली लगातार टीमां बना के नाकाबंदी से गश्त कर रहे हैं। जल्द ही इन्हों काबू करके बच्चे सही सलामत उसके परिवार के हवाले करने के दावे भी कर रहे हैं। अपने बच्चे के अगवा होने की खबर सुन के परिवार डूंघे सदमे में। भाखड़ा तो छड़िया पानी सतलुज दरिया कंडे वसे श्री आनंदपुर साहब के पिंडां दीआं जमीनां विच दाखिल हो गया जिस कारण लोगों विच सहम दा माहौल बनिया होया है। पहलां तो ही हड़ां दी मार चल रहे लोग एक बार फिर तो डर दे साए हेठ जी रहे ने क्योंकि पहलां ही लोगों के घर बार का काफ़ी नुकसान हो गया सी ते हुण डैम तो पानी छड़े जाण कारण एक बार लोगों के सिर ते फिर मुसीबत खड़ी हो गई। पंद्रह अगस्त के विशेष मौके पर BBMB वालों भाखड़ा डैम नूं देश दे तिरंगे झंडे दे रंगां विच लाइटां लगा के देश दी 76वीं आजादी दिवस दे मौके पर भाखड़ा डैम नूं भी शामिल किया गया। भाखड़ा डैम दे एक पासे खेसरी रंग की लाइट के दूसरे पासे हरे रंग की लाइट के विचकार भाखड़ा डैम के फ्लड गेट विचों निकल रहा सफेद रंग का पानी वखरा ही नज़ारा पेश कर रहा जो कि देश के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के रंगों नूं पूरा कर। नेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वालों दामगंज इलाके में खूनदान कैंप लगाया गया। 15 अगस्त को समर्पित लगाए गए खूनदान कैंप में DCP लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह पंडाल मौके पर पहुंचे। इस मौके सुखवंत सिंह लक्की ने बताया कि खूनदान कैंप में लोगों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया, खूनदान किया, उन्होंने लोगों को नशियों से दूर रहने की अपील की। मोगा के हलका धर्मकोट के वख-वख पिंडां नाल लंघदे सतलुज दरिया विच आए हड़ां कारण कई पिंडां दे लोकां दे घर ते फसलां पूरी तरह नाल तबाह हो गए सन, पर डेढ़ महीने का समा बीतण के बावजूद भी अजे तक सरकार वल्लों इन्हां हड़ पीड़ित लोगों लई 20 रुपए की सहायता तक नहीं की गई। इस मौके पर बलजिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लगातार पिंडां विच लंगरां की सेवा निर्विघन चलाई जा रही। उन्हां वख-वख पिंडां विच जा के हड़ प्रभावित लोगों दीआं मुश्किलां सुनियां। उन्होंने कहा कि सरकार नूं चाहीदा है कि हड़ पीड़ित पिंडां दे लोकां दी तुरंत मदद करे। सरकार की कोई सहायता नहीं असीं मानदे, पर सरकार एक हुंदी है जिहड़ी माई बाप आ उह किसे तरह का प्रबंध आ जिहड़ा उह फाइनैंशली इन्हां दी मदद कर सकदी है। तीन चार पिंडां दा टोटल जमीन ही इहदे विच आ,
वह सारी हम देखो ना झोने झाने दे कि कणक के काबिल भी नहीं रहनी। तो आखो तुम की हाल है। तो मैं तो NRI भरावानों भी बेनती करदा होर सबनों कहना भी वध तो वध भाई इतने मदद करो। असं भी अज मदद लेके इन्हों पुछण आए तो देन आए हैं। देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस तहत पतंग बनाने का काम करने वाले अमृतसर के रहने वाले जगमोहन कनौजिया ने 76वीं आजादी दिहाड़े मौके देशभगतों के देश लिए कुर्बानियां करने वाले याद किया, जिसके वालों पतंगों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जगमोहन कनौजिया ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य नौजवान पीढ़ी को दसना है कि सानू उन शहीदों हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने देश की कुर्बानियां दीं। इस मौके पतंगों के नाल नाल तिरंगे झंडे भी बनाए गए। ऑल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन दे सूबा कमेटी दे फैसले अनुसार NGO अधीन काम करदियां आंगनवाड़ी वर्करां ते हैल्परां ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ दे मुख दफ्तर अगे कालियां चुन्नियां लैके रोस प्रदर्शन कीता ते पंजाब सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी कीती। इस मौके यूनियन के आगू पंजाब जनरल सकत्तर दलजिंदर कौर दोलंगन ने दस्सिया कि आंगनवाड़ी वर्करां ते हैल्परां नूं पिछले 10 महीनों तो कोई मान भत्ता नहीं मिले, जिस कारण महंगाई के युग में उन्हां दा घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है ते उन्हां दे घरां दे चुल्हे ठंडे पए ने। आंगनवाड़ी वर्करां ने अपना मांग पत्र आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान सरबजीत सिंह डिंपी ते नरेश पाठक नूं सौंप के धरना समाप्त किया ते कहा कि जेकर उन्हां दीआं मंगां नूं पूरा ना किया गया तो वह 15 अगस्त वाले दिन फिर तो ही धरना लगाउण लई मजबूर होणगे। SHO बलवीर सिंह ढिलवां वालों पुलिस पार्टी समेत हाईटेक नाके दौरान मौजूद वाहनों की चैकिंग की जा रही थी तो अमृतसर साइड वालों गड्डी नूं रोकया गया। कार विच 3 नौजवान सवार सन जिन्हां नूं कार विचों बाहर आउण लई कहा तो कार ड्राइवर ने कार नूं साइड ते ला के 3 नौजवानों नूं कार दीआं बारियां खोल के भज्जण की कोशिश की। 3 नौजवानों नूं भज्जण लग्या SHO ढिलवां बलवीर सिंह ने अपने साथियों समेत काबू किया, जिन्हां पासों 260 ग्राम हैरोइन बरामद हुई है, जिसते मुकदमा थाना ढिलवां जिला कपूरथला विखे रजिस्टर किया गया। सौन महीने विच पंजाब दे हर कस्बे विच तीज दा त्यौहार मनाउण लई समाजिक संस्थावां वल्लों उद्यम किया जा रहा है तां जो पंजाबी सभ्यता नूं कायम रख्या जा सके। इसे कड़ी तहत बिजली घर कलोनी टांडा दे DAV स्कूल विखे मुहल्ला वासियां वल्लों धीआं दा विरासती त्यौहार बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिस विच मुख मेहमान वजों समाज सेवी सोनू खन्ना पहुंचे। तीज त्यौहार विच धीआं ते मुटियारां ने पंजाबी पहरावा पा के पंजाब दे पुरातन सभ्याचारक नाल संबंधित धार्मिक ते समाजिक गीतां तों इलावा पंजाबी डांस गिद्धा भंगड़ा पिंगा चोटन अते पंजाबी बोलियां पा के खूब मनोरंजन किया। इस खिड़े माहौल विच दराणी अष्ठाणी नंदा ते परछाइयां साहब ने रल मिल के गिद्धे दा खूब आनंद माणिया ते बोलियां पाई। भगवान वाल्मीकि जी दीआं सिख्यावां ते फलसफे दा प्रसार ते संचार करन लई सिटी भगवान वाल्मीकि सभा दा गठन कीता गया, जिस दे लई वाल्मीकि भाईचारे टांडा उणमुड़ ते अहियापुर दीआं वाल्मीकि सभावां वख वख धार्मिक जथेबंदियां दे इक वड्डा इकट्ठ शिमला पहाड़ी पार्क विच होया। इस दौरान सर्वसंमती नाल नौजवान आगू विनोद खोसला सुंदरी नूं सभा दा प्रधान चुणे गए। इस दे नाल ही होर मैंबरां नूं भी अहुदे दित्ते गए। बॉक्स ऑफिस से गदर 2 अपने नाम वांग गदर मचा रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से पैसों का हड़ लिया दिता। फिल्म ने 3 दिनों 134.88 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो पहले दिन फिल्म ने 40.10 करोड़, दूजे दिन 43.8 करोड़, तीजे दिन रिकॉर्ड 51.70 करोड़ की कमाई की है। तो हुण सब दी नज़र आजादी दिहाड़े टिकिया ने, क्योंकि इस दिन फिल्म की कमाई में भारी वाधा देखने की उम्मीद है। तो हुण सब दी नज़र आजादी दिहाड़े नूं लैके इस ते टिकिया हुई। दस दिए कि गदर 2 की सफलता का असर OMG 2 की कमाई से भी साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि रिव्यूज़ के मामले में OMG 2 की गदर 2 नालों ज़्यादा तारीफ की जा रही है, पर कमाई के मामले में अजे भी पिछे है।
कपूरथला के नेड़े पिंड डोगरावाल के बादशाहपुर के परिवार ने सिविल वर्दी में आए पुलिस मुलाजमान से उन्होंने घर की भनतोड़ करने के इल्जाम लाए ने, जिस दौरान पुलिस मुलाजम उन्होंने घर में पे गहने से कीमती समान लेके फरार हो गए। नाल ही पुलिस मुलाजम जाते हुए घर च लगे कैमरे का DVR भी नाल लै गए। उधर इस मामले थाना मुखी सुभानपुर के DSP भुलथ भरत भूषण ने गल की तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब न दिता तो कैमरे मूहे आने तो इनकार कर दिता। इस संबंधी राजपाल सिंह संधू SSP कपूरथला ने गल की तो उन्होंने आखिया कि मामला उन्होंने ध्यान में नहीं है, भनतोड़ करना गलत है, इस मामले की जांच कराई जाएगी, दोषियों खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। समाजिक सुरक्षा महिला ते बाल विकास विभाग के CDPO पटियाला अरबनदीप गिल की अगुवाई में सुपरवाइजर तृप्ता राणी, आंगनवाड़ी वर्कर रवीना गोसाई ते करनैल कौर सर्कल गांधीनगर की अगुवाई में आजादी दिहाड़ा मनाया गया। इस दौरान बच्चों के राष्ट्रीय गीत गा के हत्थां विच तिरंगा झंडा लैके आजादी दिहाड़े का जश्न मनाया गया। इस मौके से बच्चों दी मातावां नूं आंगनवाड़ी केंद्र वालों मिलण वालियां सहूलतां बारे भी जाणू करवाया गया। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। ਜਨਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।